इधर इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, लोकायुक्त की दबिश, आय से अधिक संपत्ति का यह पूरा मामला सामने आया है। जिला खनिज अधिकारी के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। इंदौर और उज्जैन में लोकायुक्त की दबिश दी गई है। इंदौर के तुलसी नगर में कार्रवाई चल रही है, वहीं उज्जैन के महाकाल वाणिज्य केंद्र पर छापा मारा गया है। जांच में जुटे लोकायुक्त के अधिकारी, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा, वहीं वेतन से लगभग 3 गुना ज्यादा प्रॉपर्टी होने की भी जानकारी सामने आई है। सर्च में मकानों के अलावा जमीन, व्यवसायिक प्लॉट, बेटे के नाम पर गिट्टी, कंक्रीट, रेडी मिक्स क्रशर प्लांट होने की भी जानकारी मिली है। देवास में पदस्थ जिला खनिज अधिकारी के ठिकानों पर भी छापा मारा गया है। लोकायुक्त की दबिश, इंदौर उज्जैन ऐसे कई इलाके जहां आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला सामने आया है। इसमें देवास में पदस्थ जिला खनिज अधिकारी के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई जो है वो चल रही है। तो दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। इंदौर के तुलसी नगर में ये कार्रवाई जो है वो चल रही है, जहां आय से अधिक संपत्ति का पूरा मामला है। उज्जैन के महाकाल वाणिज्य यहां पर भी दबिश जो है वो दी गई है। तो लोकायुक्त की दबिश का ये पूरा मामला आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ है, जहां ये टीम पूरी तरह से पहुंची हुई है। दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। तो 3 गुना ज्यादा आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला शिकायत मिली थी, और इसके बाद लोकायुक्त की टीम यहां पर पहुंची है। तो बता दें, मकान, घर, ऑफिस में कार्रवाई जो है वो चल रही है और दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें सामने आई हैं, एक इंदौर की है और एक उज्जैन की है। तस्वीरें सामने आई कि इंदौर की और एक उज्जैन की है, जहां लोकायुक्त की टीम जो है वो घर पर पहुंची हुई है और दबिश दी गई है। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है और पूरी तरह से टीम तैयार है, मुस्तैद है और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। मकान, प्रॉपर्टी, कहां कहां से इनके जो तार है वो जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, हमारे साथ 2 अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ इंदौर से महेश मिश्रा हैं, उज्जैन से हमारे साथ राहुल हैं। सबसे पहले इंदौर चलते हैं। जिस तरह से महेश, क्या जानकारी मिल रही है आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला, लोकायुक्त की टीम कितने बजे पहुंची और क्या कुछ? कार्रवाई है आज तड़के लोकायुक्त की टीम ने 4 जगह छापा मारा है, जिसमें इंदौर में तुलसी नगर स्थित खनिज अधिकारी का मकान है, उज्जैन के कमर्शियल महाकाल कमर्शियल सेंटर पे एक कॉस्मोस मॉल है, वहां पे उनके एक प्रॉपर्टी है पीथमपुर में है, और साथ ही इंदौर के एक और उनका दफ्तर है। 4 स्थानों पर ये कार्रवाई जारी है। सुबह 6 बजे के आसपास में लोकायुक्त की टीम चारों जगह एक साथ पहुंची थी, और इनके खिलाफ शिकायत सीधे लोकायुक्त भोपाल को की गई थी। भोपाल लोकायुक्त थाने में प्रकरण दर्ज करने के बाद में ये सर्च की कार्रवाई शुरू की गई है, और इस कार्रवाई में अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं उनके अनुसार लाखों की कीमत का इनके पास से ज्वेलरी अभी तक मिल चुकी है, काफी मात्रा में कैश मिला है और कुछ जमीनों के पेपर्स मिले। साथ ही खनिज अधिकारी, इन्होंने अपनी पोस्ट पर रहने के दौरान इन्होंने कुछ क्रशर और कुछ गिट्टी खदाने हैं उसमें भी इन्होंने अपनी पार्टनरशिप डाली हुई है, और ये माना जा रहा है कि अब तक जो इनको सरकारी नौकरी के दौरान जो पैसा इन्हें मिला उससे 3 गुना से ज्यादा की इन्होंने प्रॉपर्टी बना रखी है। ये कार्रवाई लंबी चलेगी ये माना जा रहा है। आज इस विषय को लेकर हम लोगों की चर्चा हुई है, तो SP लोकायुक्त सव्यसाची सराफ है इंदौर के, उनका कहना है कि कार्रवाई लंबी चल सकती है, चूंकि इनके खिलाफ जानकारियां मिली हैं उन जानकारी काफी क्रेडेंशियल जानकारी है और काफी ज्यादा तादाद में इनके पास से प्रॉपर्टीज मिलने का मामला सामने आएगा। और एक चीज आपको इसमें और बता दूं कि ये बहुत ज्यादा उम्र नहीं है इनकी, ये लगभग 40 साल के आसपास की उम्र की, 40 से 42 साल की उम्र की, और इस कम उम्र में खनिज अधिकारी रहने के दौरान इन्होंने बड़ी तादाद में भ्रष्टाचार किया और काफी ज्यादा पैसा बनाया अपने पद का दुरुपयोग करते हुए। चूंकि ये खनिज अधिकारी है, इसके दौरान इनको कई तरह की अनुमतियां इन्हीं के डिपार्टमेंट से, इनके दफ्तर से होती थी जो माइनिंग करते थे, और उसके साथ में इंस्पेक्शन का भी काम लिखा होता था, जिसके चलते कई खदानों में और क्रशर में इन्होंने अपनी पार्टनरशिप डाल ली थी, इन्होंने काफी काला पैसा कमाया। और शाम तक
कुछ और भी जानकारियां सामने आएंगी इस मामले में। हालांकि अभी इनके कुछ बैंक खाते भी मिले हैं और 2 से ज्यादा लॉकर की भी बात सामने आ रही है जी। तो बिल्कुल शाम तक और खुलासे होने की उम्मीद है, अब देखना होगा क्या कुछ होता है और ये कार्रवाई जो है वो कब तक चलती है। हमारे साथ राहुल भी उज्जैन से जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या आज कुछ जानकारी मिल रही है, कहाँ से इनपुट मिले, क्या कुछ शिकायत मिली है और अभी तक क्या कुछ खुलासा हो पाया? देखिए लोकायुक्त, तो इंदौर की टीम जो है उज्जैन पहुंची थी, महाकाल वाणिज्य केंद्र में जो खनिज अधिकारी है इनका एक मकान मिला है जो कि 4 मंजिला मकान है। यहाँ पर 4 किराएदार अलग अलग रहते हैं, जहाँ 2 किराएदार लोकायुक्त की टीम को मौके पर मिले और यह जो मकान है इनके बेटे के नाम पर बताया जा रहा है। इनके बेटे के नाम पर महाकाल वाणिज्य केंद्र में मकान खरीदा है और इसके अलावा भी जो है टीम सर्च कर रही है। हालांकि फिलहाल जो है टीम उज्जैन से रवाना हो चुकी है और यहाँ पर जो है मकान के कागजात जो इनके मिले थे उसके बाद टीम सर्च करने सुबह 6 बजे पहुंची थी। तो बिल्कुल अब देखना होगा और क्या कुछ खुलासे होते हैं और कहां कहां से इनके लिंक जुड़े हुए हैं। फिलहाल पूरी तरह से टीम जो है वो कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए। तो लोकायुक्त की दबिश आपको बता दें इंदौर और उज्जैन में दी गई है, जहां जिला खनिज अधिकारी के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई जो है वो चल रही है और देखना होगा क्या कुछ खुलासे और होते हैं।